हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिजॉल्विंग टेक। तो फ्रेंड्स, हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने नया नया व्हाट्सएप डाउनलोड किया होता है और उन्हें अभी कोई भी आइडिया नहीं होता है कि उन्हें कौन सी सेटिंग कैसे करनी है या उस पर स्टेटस कैसे लगाना है। तो चलिए आज सीखते हैं कि हम अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए हम अपना व्हाट्सएप ओपन करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन कर लिया है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आपको बॉटम में कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें सेकंड नंबर पे आपको अपडेट का ऑप्शन मिलता है। आपको इसको यहाँ से टैप कर लेना है और इसको टैप करने के साथ ही आपको यहाँ पे अदर्स के स्टेटस भी शो करेंगे। आपके कॉन्टैक्ट में जो लोग भी आपके चैट पे ऐड हैं, उन्होंने अगर कुछ स्टेटस लगाया होगा तो वो भी आपको यहीं पे शो करेगा। और बिल्कुल टॉप में माय स्टेटस, ये आपका स्टेटस शो करेगा। तो अगर आप खुद का स्टेटस लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक तो पेन बटन और एक कैमरा बटन। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ स्टेटस या कुछ टेक्स्ट लिख करके अपने स्टेटस पे सेंड करें तो उसके लिए आपको ये पेन बटन का यूज़ करना होता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक स्क्रीन मिल गई है जिस पे आप कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ टेक्स्ट को एंटर करती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे थैंक यू और एक स्माइली, ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे थैंक यू लिख लिया है। अब मैं इसको सेंड करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे इस ग्रीन वाले बटन को प्रेस करना होगा। इस ग्रीन बटन को प्रेस करते ही हमारा स्टेटस यहाँ से सेंड हो जाएगा। तो चलिए ये देखिए, मैंने इसे सेंड कर दिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा ये स्टेटस लग चुका है। अब हम आते हैं अपने दूसरे ऑप्शन पे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी गैलरी से या अपने एल्बम से कुछ फ़ोटोज़ सेंड कर सकें अपने स्टेटस पे, तो उसके लिए आपको अपना कैमरा ओपन करना होगा। कैमरे बटन को आप जैसे ही टैप करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ आ जाएंगी। यहाँ से ड्रैग करके आप कोई भी फ़ोटो अपने पसंद की सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने एक फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर ली है और अगेन इस ग्रीन बटन से मैं इसको सेंड कर सकती हूँ। लेकिन साथ ही मुझे यहाँ पे ऐड अ कैप्शन का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप इस फ़ोटो से रिलेटेड या कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, स्माइलीज लगा सकते हैं और उसके बाद आप इसको सेंड कर सकते हैं और ये वापस से इसी ग्रीन बटन से ही सेंड होता है। और यहाँ हमारा स्टेटस सेंड हो चुका है। अब इन दोनों ही स्टेटस को आप इस तीन बटन से डिलीट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ से ये मैंने डिलीट कर दिया। अगर आप खुद नहीं डिलीट करते हैं तो ये स्टेटस आपके अपडेट पे 24 आवर्स के लिए वैलिड होता है। 24 आवर्स के बाद ये सेल्फ डिलीट हो जाता है। तो ये थी मेरी वीडियो अबाउट स्टेटस। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।